दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, डायरेक्टर शीना कोचिंग क्लासेस कुरोला, जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है हिंदी, विषय हिंदी है और टॉपिक है हमारा संधि विच्छेद। फ्रेंड्स, ऊपर लिखा हुआ है सबसे सरल विधि। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपको संधि विच्छेद की सबसे सरल विधि बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको, अगर आप इसे एक बार पढ़ लें तो शायद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। आपसे निवेदन है कि देखते रहेगा हमारे वीडियो, जितने भी हमारे वीडियो निकलते हैं व्हाट्सएप में, जो हमारा चैनल व्हाट्सएप में जो ग्रुप है शीना क्लासेस, और यूट्यूब में जो हमारा चैनल है सुरेश कुमार शीना कोचिंग क्लासेस, आप देखते रहिएगा और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। उससे आप ही कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं जैसे ही नई वीडियो पोस्ट करूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, लिखा हुआ है सबसे सरल विधि, किसकी फ्रेंड्स? संधि विच्छेद की। आज हम, इससे पहले भी हमने संधि में कुछ पार्ट जारी किए, शायद आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन आज का जो पार्ट है हमारा, आज हम लेके चल रहे हैं, आप जानते हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं और आज का हमारा भेद है स्वर संधि। पहला भेद, संधि का पहला भेद है स्वर संधि फ्रेंड्स। और स्वर संधि के पांच भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांच भागों में से फ्रेंड्स, मैं इन तीन भागों की, इन ऊपर वाले चार भागों की आपसे बात करूंगा, जो स्वर संधि के पांच भाग होते हैं इनमें से चार भागों की आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप पहचानेंगे, आपको कहीं दीर्घ संधि को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, गुण को पहचानना तो कैसे पहचानेंगे, वृद्धि को पहचानना तो कैसे पहचानेंगे, और यण संधि को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए मैं पहले आपको ट्रिक्स बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा फ्रेंड्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम दीर्घ संधि की बात करें फ्रेंड्स, तो दीर्घ संधि में जो है अ, आ, ई, ई, ऊ और ऊ, इनका मेल आपस में होता है। अर्थात दीर्घ संधि इतने स्वरों की संधि है, इतने स्वरों में आपस, इतने स्वरों का आपस में मेल होता है दीर्घ संधि में। मतलब कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, शायद पहले वाला जो पार्ट था हमारा, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि स्वर हमारे पास प्रमुख रूप से तीन होते हैं, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ और एक होता है क्लुप्त। लघु स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। फ्रेंड्स, आज हमको आवश्यकता है दो की, लघु और दीर्घ की। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर हम आए तो 1, 2 और 3, इन तीनों को हम लघु स्वर कहते हैं, लघु। ये फ्रेंड्स लघु में आ गए। और अगर हम बात करें कि इनका दीर्घ रूप कौन सा है, तो ये इनका दीर्घ रूप है फ्रेंड्स। देखिए ये है इनका दीर्घ रूप, ये इनका लघु रूप है और ये इनका दीर्घ रूप है फ्रेंड्स। होगा क्या दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में फ्रेंड्स ऐसा होगा कि जब इनमें आपस में मेल होगा, किन में, अ, आ, ई, ई, ऊ और ऊ, तो इस तरह से मेल होगा। जरा देखिएगा कि या तो अ का मेल अ से होगा, या अ का मेल आ से होगा, या आ का मेल आ से होगा। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि लघु प्लस लघु, लघु प्लस लघु, या फिर लघु प्लस दीर्घ, या फिर दीर्घ प्लस दीर्घ। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मतलब कि अगर अ का मेल अ से होगा तो क्या बनेगा, अ का मेल आ से होगा तो क्या बनेगा, आ का मेल आ से होगा तो क्या बनेगा। आप देख रहे हैं अ का मेल अ से होगा तो आ बनेगा, आ, औ का मेल आ से होगा तो भी आ बनेगा, आ का मेल आ से होगा तो भी आ बनेगा। फ्रेंड्स इसीलिए हम इसको दीर्घ संधि कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है लघु लघु मिलेंगे तो भी दीर्घ बनेगा, लघु दीर्घ मिलेंगे तो भी दीर्घ बनेगा, और दीर्घ दीर्घ
मिलेंगे तो भी इसका रूप दीर्घ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था, और आपके पास वैसे हम इसकी बात करेंगे ई प्लस ई बड़ी ई हमारे पास आएगी, फिर ई प्लस ई इसमें भी हमारे पास दीर्घ रूप आएगा, फिर ई प्लस ई इसमें भी हमारे पास दीर्घ रूप ही आएगा। आप देख रहे हैं उसी तरह से फ्रेंड्स हम ऊ की बात करते हैं, ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा फ्रेंड्स ऊ प्लस ऊ फिर से ऊ हो जाएगा, और ऊ प्लस ऊ इसका भी ऊ हो जाएगा। फ्रेंड्स इतनी है आपके पास दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आप ये चीज देखोगे, अर्थात जहां इन तीनों का मेल हो रहा हो, संधि का पहला वर्ण अ है, संधि का दूसरा वर्ण भी अ है, दीर्घ संधि, संधि का पहला वर्ण अ है दूसरा वर्ण आ है दीर्घ संधि, संधि का पहला वर्ण आ है दूसरा वर्ण आ है दीर्घ संधि, संधि का पहला वर्ण ई है दूसरा वर्ण ई है दीर्घ संधि, संधि का पहला वर्ण ई है दूसरा वर्ण बड़ी ई है दीर्घ संधि, संधि का पहला वर्ण भी बड़ी ई है दूसरा वर्ण भी बड़ी ई है दीर्घ संधि, संधि का पहला वर्ण छोटा ऊ है दूसरा भी छोटा ऊ है दीर्घ संधि, संधि का पहला वर्ण छोटा ऊ है दूसरा बड़ा ऊ है दीर्घ संधि, संधि का पहला वर्ण बड़ा ऊ है दूसरा भी बड़ा ऊ है तो वहां पर भी दीर्घ संधि होगी। फ्रेंड्स और ये किसी भी रूप में मिलेगा, आप देख रहे हैं ये किसी भी रूप में मिलते हैं तो इनका रूप दीर्घ हो जाता है। आप देख रहे हैं ई और ई दोनों लघु लघु मिली और दीर्घ हो गया, यहाँ पे लघु और दीर्घ मिली दीर्घ हो गया, यहाँ पे दीर्घ दीर्घ मिली यहाँ भी दीर्घ हो गया, यहाँ पे लघु लघु मिली दीर्घ हो गया, यहाँ पे लघु दीर्घ मिला दीर्घ हो गया, यहाँ पर दीर्घ दीर्घ मिला और दीर्घ हो गया। फ्रेंड्स आप समझ गए हैं कि किस तरह से हमारी दीर्घ संधि होती है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा जरा एग्जांपल, जैसे हमने देख लिया है कैसे पहचानेंगे, हमने लिख दिया है सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न आता है कि सत्य प्लस आग्रह में कौन सी संधि है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं संधि इन दोनों में होती है, समीपवर्ती वर्णों में ही संधि होती है, यहाँ से संधि में अ भाग ले रहा है और यहाँ से संधि में आ भाग ले रहा है। फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपसे बात करी कि जहां पर ओ और आ का मेल होगा वहां पर दीर्घ संधि होगी, या फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हम बात करते हैं मुनींद्र, मुनींद्र की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो आप देख रहे हैं मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र की अगर आप बात करें तो इन दोनों में फ्रेंड्स संधि होगी, यहां से छोटी ई ने भाग लिया, यहां से भी छोटी ई ने भाग लिया, आप देख रहे हैं ठीक है। सवर्ण स्वरों का मेल, हम इसको सवर्ण स्वर कहते हैं, सवर्ण स्वरों का मेल होता है, सवर्ण स्वरों का मेल, स्वरों का मेल का मेल कहां पे होता है, दीर्घ संधि में। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ई और ई का मेल ठीक है, तो यहां पर भी दीर्घ संधि होगी। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम बात करते हैं विद्यालय, विद्याधन आलय, या फिर हम बात करें विकर प्लस अंग, या फिर हम बात करें वार्ताधन आला, इन सब में आप देखोगे तो इन दोनों में, यहां इन दोनों में संधि हो रही है, यहां पर इन दोनों में संधि हो रही है, यहां पे इन दोनों में संधि हो रही है, यहां से आ भाग ले रहा है, यहां से भी आ भाग ले रहा है, आ और आ का मेल दीर्घ संधि, यहां से अ भाग ले रहा है, यहां से भी अ भाग ले रहा है, अ और अ का मेल दीर्घ संधि, यहां से आ भाग ले रहा है, यहां से भी आ भाग ले रहा है दीर्घ संधि। आपने देखा फ्रेंड्स दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण, इस तरह से हम दीर्घ संधि को पहचानेंगे कि जहां पर अ आ ई ई ऊ और ऊ इनका मेल आपस में, मतलब इन दोनों का मेल हमेशा आपस में होगा, या आ का मेल आ से होगा, या औ का मेल औ से होगा, या फिर औ का मेल आ से होगा, वैसे यहां पे या तो इन दोनों का मेल होगा, या ई के ई का मेल स्वयं ई से होगा, बड़ी ई का मेल स्वयं बड़ी ई से होगा, यहां पर भी या तो इन दोनों का मेल होगा, या फिर ऊ का मेल स्वयं ऊ से होगा, या बड़े ऊ का मेल स्वयं ऊ से ही होगा। फ्रेंड्स तो ये था फ्रेंड्स दीर्घ संधि,
और अगर आपको आगे गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि को भी पढ़ना है, अर्थात इसके भी हमारे वीडियो देखने हैं, तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, और आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रूर देखें हमारे सारे पार्ट्स संधि विच्छेद के, आपको संधि इस तरह से याद हो जाएगी फ्रेंड्स कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।